Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. वो निरंतर कर रहे हैं, एक पल वो तब से बैठे नहीं हैं, जब से बेटा करण भूषण टिकट पाकर के एमपी हुआ। अगर इतना सक्रिय करण के चुनाव में रहे होते तो करण के मार्जिन 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख होती। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ मित्रों, ये खड़ी अंत कांग्रेस का है, ये खड़ी अंत भूपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ी अंत भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था आज देश बोलना है, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। ब्रजभूषण शरण सिंह, वो नाम जो यूपी की सियासत में एक वक्त पर दिन हो या रात सुर्खियों में बना रहा, कभी पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर तो कभी लोकसभा चुनाव में टिकट की बात को लेकर। लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर सब हैरान हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह एक मंच पर भावुक होकर आंसू पोंछते दिखाई दिए, वो भी उस वक्त जब उनके सामने उनके बेटे करण भूषण सिंह की जीत की चर्चा हो रही थी। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह आज एक निजी विद्यालय में आयोजित स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां मंच पर पहले एमएलसी अवधेश सिंह ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कुछ बातें कही। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह भावुक होते दिखाई दिए, देखिए ये वीडियो। सारा मुकाम हासिल हो गया, अब हमें क्या चाहिए, लेकिन नहीं, आज वो इस जिले के नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए, आपको आगे प्रेरित करने के लिए आपके बीच आए हैं। और निरंतर राजनीति में न रहने के बाद भी एक तरीके से वो सक्रिय है समाज सेवा के लिए, और ये भी एक सेवा है आपका, आपको शिक्षित करना, आपको प्रेरित करना, वे सामाजिक सेवा का कार्य वो निरंतर कर रहे हैं। एक पल वो तब से बैठे नहीं है जब से बेटा करण भूषण टिकट पाकर के एमपी हुआ। इतना सक्रिय ये करण के चुनाव में नहीं रहे, अगर इतना सक्रिय करण के चुनाव में रहे होते तो करण के मार्जिन 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख होती। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ। वहीं वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी बात भी कह डाली। अब ब्रजभूषण का ये बयान काफी वायरल है, उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए वो आपको सुनाते हैं। मीडिया वाले आते हो ना हरियाणा पहुंचे, इस समय पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले। हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये खड़ी अंत कांग्रेस का है, ये खड़ी अंत भूपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ी अंत भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था आज देश बोलना, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोलना। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की साजिश है। उनका कहना है कि मैंने पहले भी कहा है, देश भी आज कह रहा है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए ही बड़ी बात कह डाली है, उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।